Okay, so we'll continue with the standard costing only. This is your chapter number 12, standard, right? और आज अपना लास्ट लेक्चर इसका सिंगल प्लान पार्शियल प्लान, राइट? तो एक आपको पूरा कंप्लीट सम करा देता हूँ अप टू ट्रायल बैलेंस तक, राइट? तो पूरा आपको रिवाइज हो जाएगा. जब आपने इतना टाइम इसमें पुट किया है तो थोड़ा टाइम और पुट करते, राइट? 35 पेज नंबर 12.100, 35 पेज नंबर 12.100, राइट? आपको मुझे बताना है कौन बुक्स मेंटेन कर रहा है एंड सिंगल प्लान है या पार्शियल प्लान है. सिंगल प्लान कैसे पता चला? हंड्रेड परसेंट करेक्ट, राइट? जस्ट राइट. हाँ, लेबर रेट वेरियंस आर सेग्रीगेटेड एट द पॉइंट ऑफ परचेज ऑफ मटेरियल, राइट? इसका मतलब इट्स ए सिंगल प्लान. और कौन बुक्स मेंटेन कर रहा है? नहीं, बुक्स इज मेंटेन बाय फैक्ट्री. कैसे पता चला? क्योंकि अपने को दे रखा है कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स, कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स, राइट? तो पूरा आपको जनरल एंट्री के थ्रू एवरीथिंग क्लियर कर देता हूं, राइट? कौन बुक्स मेंटेन कर रहा है? फैक्ट्री. क्यों? क्योंकि दे रखा है अपने को कॉस्ट कंट्रोल एंड दिस इज सेग्रीगेटेड एट द टाइम ऑफ परचेज. At the time of purchase, say yes or no, friends, right? तो इतना जरा लिख लो आप ना. It's a single plan. पूरा डिटेल में पूरा आपको रिवाइज करा देता हूँ प्रॉपरली. हाँ फ्रेंड्स, सिंगल प्लान, बुक्स मेंटेन बाय फैक्ट्री, राइट है? सबसे पहले आप देखो जरा क्या दे रखा है अपने को. अपने को जरूरत पड़ेगा इज ए एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन. आप एक्चुअल प्रोडक्शन में आप जरा देखिए, एक है आपका मटेरियल एंड दूसरा है लेबर एंड ओवरहेड. इट मींस फिनिश गुड्स प्लस क्लोजिंग WIP. देखो जरा, ड्यूरिंग दिस मंथ 360 यूनिट्स आर कंप्लीटेड. 360 यूनिट्स आर
completed, right? And for closing WIP 40, they are complete as material but half complete in case of 40 ka 100% 40 and 40 ka 50% 20. जब आपने इतना टाइम दिया है तो एक जरा लास्ट क्वेश्चन ये और बहुत अच्छे से कर लो, राइट? 380 एंड 400, राइट? ये एक्चुअल प्रोडक्शन. उसके सामने व्हाट इज योर बजटेड प्रोडक्शन? बजटेड प्रोडक्शन क्या होता है? इट मींस रिकवरी रेट हम लोग कैसे निकालते हैं? बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड यूनिट्स, राइट है? रिकवरी रेट हमारा पर यूनिट का क्या है? देखो जरा, 5 कॉस्ट शीट में ओवरहेड 5 आर्स एट द रेट ऑफ 1, 5 रुपीज पर यूनिट, राइट? एंड टोटल ओवरहेड हमें क्या दे रखा है? 2000. इसका मतलब 2000 5 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा आपका? 400 यूनिट्स. आपका क्या आएगा? 400 यूनिट्स. से यस ऑर नो फ्रेंड्स? इतना कॉपी कर लीजिए जरा अपना. एक्चुअल प्रोडक्शन मटेरियल में 400 इक्विवेलेंट, राइट? लेबर एंड ओवरहेड में 380. रिकवरी रेट बजटेड ओवरहेड डिवाइडेड बाई बजटेड यूनिट्स. राइट है? ओके. आपका एक्चुअल प्रोडक्शन क्या हो गया? 400, 380 और आपका बजटेड प्रोडक्शन क्या हो गया? 400. सही है सुनो फ्रेंड्स, राइट? अब आ गए जी. अब आपको बजटेड कॉस्ट पर यूनिट क्या दे रखा है? 21. देखो जरा, व्हाट इज द बजटेड कॉस्ट पर यूनिट? 21. दिस इज योर बजटेड कॉस्ट पर यूनिट इज रुपीज 21, राइट है? अब देखो आपको क्या क्या पूछा है. कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट्स, वेरियंस अकाउंट एंड ट्रायल बैलेंस. लेकिन मैं आपको पूरा जनरल एंट्री के थ्रू करता हूं तो एकदम आपको क्लियर हो जाएगा, राइट? पर देर इज ए ओपनिंग बैलेंस इन मटेरियल. तो देखो आप अकाउंट कैसे ओपन करोगे? इट मींस एक रहेगा आपके पास मटेरियल कंट्रोल अकाउंट. जब आप लेजर बनाओगे तो आपके पास एक क्या रहेगा? मटेरियल कंट्रोल अकाउंट. एंड उसके सामने दूसरा रहेगा आपका कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट. क्योंकि जितना डेबिट में रहेगा उतना ही क्रेडिट में रहेगा, राइट? तो यहां पे लिखो कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट. एक रहेगा मटेरियल कंट्रोल, एक आपका रहेगा कॉस्ट कंट्रोल. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना मटेरियल है आपके पास? देखो ओपनिंग बैलेंस 800 इंटू
3, 800 kg into 3 is 2400. It means 800 into 3 and this comes to 2400. इतना कॉपी कर लो जरा। सुनो राइट है, ये आपका आ गया मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। अब आप आ जाइए एक एक करके ना, मैं आपको जनरल एंट्रीज कराता हूँ, होमवर्क में आप इसके लेजर बना के ट्रायल बैलेंस बना लेना। राइट, पहला कितना मटेरियल हम लोगों ने परचेज किया है, कितना मटेरियल परचेज किया है, कितना मटेरियल परचेज किया है 1000 kg। राइट, और उसका रेट क्या है 3.5 है ना, वी आर सपोज टू पे 3, हम लोग को कितना पे करना है 3, हम लोग कितना पे कर रहे हैं, तो 50 पैसा कहाँ चला जाएगा वेरियंस में। से यस ऑन ओ फ्रेंड्स राइट, देखो जरा पहला मटेरियल कंट्रोल अकाउंट डेबिट। राइट, कितना परचेज किया है 1000, बाद में कॉपी करना एक बार समझ लो, इंटू 3 3000, मटेरियल प्राइस वेरिएंस डेबिट। राइट, कितना 3 की जगह कितना पे किया है 3.5 इंटू 2 कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट 1000 into 3. समझ लो एक बार ना, सही है सोनो फ्रेंड्स। एज एन वेन द ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस, तभी आपको डालना है करके ना। आपने क्या सोचा था 3, क्या आ रहा है 3.5, कितना पैसा ज्यादा आ रहा है 50 पैसा इंटू 1000, आपका कितना हो गया 500। समझे या नहीं, बोलो या सुनो, है ना। अब देखो कितनी यूनिट्स बनी है आपकी 400, कितनी यूनिट्स बनी है मटेरियल में, मटेरियल का एक्चुअल प्रोडक्शन 400, एक यूनिट को बनाने में कितने केजी चाहिए 2 kg, तो 800 केजी यूज होना चाहिए। हम लोगों ने कितना इशू कर दिया, कितना इशू कर दिया, इसका मतलब 100 कहाँ चला जाएगा वेरियंस में, है ना। क्या एंट्री हो जाएगी, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट 400 यूनिट्स इंटू 2, 800 इंटू 3 2400, मटेरियल यूसेज वेरियंस डेबिट 800 की जगह 900 इंटू 3 300 एंड 2 मटेरियल कंट्रोल अकाउंट 900 इंटू 3 2700। सही है, इतना कॉपी कर लो आप जाना।
राइट है। अभी लेबर का देखो जरा कितना पे किया है आपने लेबर में, 1850 एट द रेट ऑफ 2.2, यू आर सपोज टू पे एट द रेट ऑफ ₹2, आपने क्या पे किया है 2.2, 20 पैसा कहाँ चला जाएगा वेरियंस में, लिखो जरा, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, बोलो। लेबर कंट्रोल अकाउंट डेबिट 1850 इंटू 2 3700, लेबर रेट वेरियंस डेबिट 2 की जगह 2.2 इंटू 1850 370 एंड 2 कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट, करो कॉपी, 3700 प्लस 370 इज 4070। एक सम आपने कर लिया, पूरा आपका प्रॉपरली रिवाइज हो जाएगा, राइट। राइट है। अब आपका क्या हो गया WIP, WIP बाद में कॉपी करना, समझ लो जरा, कंट्रोल अकाउंट डेबिट 380 यूनिट्स, राइट, 380 है ना एक्चुअल प्रोडक्शन, सही है, सुनो, 1 यूनिट इज रिक्वायर्स 5 आवर्स, कितना हो गया 380 इंटू 5 1900 इंटू 2 3800, लेकिन हम लोगों ने आर्स कितने इशू किए, ओनली 185, तो 50 फेवरेबल हो गया टू लेबर कंट्रोल 1850 इंटू 2 लेबर एफिशिएंसी वेरियंस, कैसे लगना चाहिए 1850 लगाए ओनली 1800, नो सॉरी लगना चाहिए 1900 लगाए 18, सही है, सुनो राइट, इतना कॉपी कर लीजिए आप। सुनो अभी क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट फिक्स्ड ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट आपको कितना पे करना चाहिए था 2000,
और आपने पे कितना कर दिया? 2100। आपने कितना पे कर दिया बोलो? 2100। इट मींस फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस डेबिट 100 टू कॉस्ट कंट्रोल 2100। सही है सुनो फ्रेंड्स, इतना कॉपी करो। फिक्स्ड ओवरहेड कंट्रोल डेबिट 2000, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर डेबिट 100 टू कॉस्ट कंट्रोल 2100। फिक्स्ड ओवरहेड कंट्रोल डेबिट, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर डेबिट टू कॉस्ट कंट्रोल। बोलो यस और नो, राइट। अब आपका प्रोडक्ट बनके क्या हो गया? रेडी। तो क्या हो जाएगा? WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट 380 यूनिट्स बनाए, एक का रिकवरी 5, तो बोलो कितना होगा? 1900। ये पीरियड में कितने यूनिट्स बनने चाहिए थे? 400। बनाए कितने? 380। पेड फॉर 400, रिकवर्ड ओनली 380। तो फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस डेबिट 400 380 इंटू 500 टू फिक्स्ड ओवरहेड कंट्रोल 2000। ठीक है, अब आपका गुड्स बन के रेडी। तो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP कंट्रोल कितनी यूनिट्स बन के तैयार हुई? 360। एक का कॉस्ट 21, निकालो जरा। 360 इंटू 21 75। इतना कॉपी कर लो आप। सही है सुनो फ्रेंड्स, राइट है, समझ में आ रहा है? बोलो। अच्छा, अभी तक देखो आपको चाहिए तो मैं आपको वेरीफाई करके दिखाता हूँ कि अपना पूरा अभी तक सब बराबर गया है कि नहीं। देखो एग्जाम में ये रिक्वायर्ड नहीं है, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, राइट। कैसे करेंगे? सपोज दिस इज योर WIP अकाउंट। देखो जरा सब लोग इधर,
WIP अकाउंट, पहला एंट्री क्या है, मटेरियल डेबिट मटेरियल, WIP अकाउंट डेबिट, राइट, मटेरियल यूसेज डेबिट टू मटेरियल कंट्रोल, टू मटेरियल कंट्रोल कितना हो गया आपका 2400, राइट है, लेबर लेबर WIP डेबिट टू लेबर कंट्रोल 3700 टू लेबर एफिशिएंसी 100। जब आप लेजर अकाउंट बनाओगे तो क्या होगा, राइट, फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड WIP डेबिट, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम डेबिट, राइट, टू फिक्स्ड ओवरहेड कंट्रोल, टू फिक्स्ड ओवरहेड कंट्रोल WIP डेबिट 1900, राइट है। अब बाई फिनिश्ड गुड्स, कितना फिनिश्ड गुड्स है 7560। अब देखो जरा बैलेंस निकालो, जरा बाय बैलेंस कैरिज फॉरवर्ड 540, राइट। अब 540 के अंदर क्या क्या है, देखो आपने मटेरियल कितने यूनिट्स का डेबिट किया, क्रेडिट कितना किया, आपने लेबर किसके लिए डेबिट किया 380, क्रेडिट कितना किया 360, राइट है। ओवरहेड आपने कितने का डेबिट किया 380, क्रेडिट कितना किया, इसका मतलब 40 मटेरियल है इसके अंदर, 20 लेबर है, 20 ओवरहेड है। ये 540 इंक्लूड्स व्हाट, मटेरियल के 40 यूनिट्स, लेबर के 20, ओवरहेड के 20, मटेरियल के 40, लेबर के 20 एंड ओवरहेड के 20। एक का रेट क्या है देखो जरा, 6 रुपीस, तो क्या हो गया 240, देन आगे बोलो 10 रुपीस क्या हो गया 200 एंड 5 रुपीस क्या हो गया 100, मिलके क्या हो जाएगा 540, ये 540। मतलब यू कैन रिकनसाइल ऑल्सो कि अभी तक जो भी हुआ है वो बराबर हुआ है कि नहीं। हम लोगों ने समझ में आया, हम लोगों ने मटेरियल कितने का डेबिट किया है 400, लेबर कितने का डेबिट किया है 380, ओवरहेड कितने का डेबिट किया है 380, क्रेडिट कितने का किया है ओनली दे आए से या सुन, इतना कॉपी कर लो।
ये एग्जाम के लिए नहीं है, आपके नॉलेज के लिए। हाँ से एस ऑन ऑप्शन राइट। अब आप आ जाइए राइट, आपका गुड्स बन के रेडी हो गया राइट। गुड्स कितना बन के रेडी हुआ? 360। लेकिन बिका कितना है, सेल कितना हुआ है? ओनली 300। देखो जरा क्या एंट्री पास करेंगे। अगर ये इंटीग्रेटेड होता तो हम लोग क्या करते थे, कैश बैंक या डेटर्स डेबिट, लेकिन ये कौन सा है, नॉन इंटीग्रेटेड, तो क्या एंट्री पास करेंगे, कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू सेल्स कंट्रोल अकाउंट। कितनी यूनिट्स बिकी है अपनी, 300। एक यूनिट कितने में बिक रहा है, 30, इट मींस 9000 बराबर। सेल्स को कहां ट्रांसफर कर देंगे, पी एंड एल अकाउंट में, इट मींस सेल्स सेल्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट एंड दिस कम्स टू 9000। इतना कॉपी कर लो, सेल्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट। सेल्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस बराबर है। अब जितना क्रेडिट किया है पी एंड एल में उतने का कॉस्ट भी डेबिट करना पड़ेगा राइट। तो कॉस्टिंग कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स कंट्रोल 300 इंटू 21 60 300। उतने का कॉस्ट भी डेबिट करना पड़ेगा ना, तभी तो आपका प्रॉफिट निकलेगा। सही है सोनो फ्रेंड। समझे नहीं समझे। अब बाकी का आपका क्या हो गया, प्रॉफिट, लेकिन आपके पास क्या है अभी, वेरियंसेस, उनको भी डिस्पोज करना पड़ेगा। जो वेरियंस आपको एडवर्स थे वो आपका क्या हो गया, लॉस। जो वेरियंस आपको फेवरेबल थे वो आपका क्या हो गया, गेन राइट। तो यहाँ पे तो सभी एडवर्स से एक्सेप्ट लेबर एफिशिएंसी बराबर। तो आप जरा करो एंट्री पास, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मटेरियल रेट वेरियंस टू मटेरियल यूसेज वेरियंस टू लेबर रेट वेरियंस
कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मटेरियल रेट, क्या था मटेरियल रेट वेरियंस, मटेरियल रेट वेरियंस 500, मटेरियल यूसेज वेरियंस 300, लेबर रेट वेरियंस 370, टू फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंस वेरियंस 100, टू फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरियंस 100, टेक द टोटल, वन थ्री सेवन जीरो, है ना, एंड लेबर एफिशिएंसी वेरियंस डेबिट टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना था एफिशिएंसी वेरियंस 100, सही है सुनो राइट, लेबर एफिशिएंसी वेरियंस डेबिट टू कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट राइट, अब देखो आप आ जाओ कितना प्रॉफिट अपने को हुआ राइट, तो दिस इज कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट कंट्रोल, टू कॉस्ट कंट्रोल मीन्स जो भी प्रॉफिट हुआ है वो ट्रांसफर हो जाएगा राइट, कितने का सेल था आपका 9000 इनकम प्लस वेरियंस फेवरेबल 100 माइनस कॉस्ट 6300 माइनस कॉस्ट लॉस 1370, निकालो जरा क्या प्रॉफिट आता है 14। अब इनका अगर आप पोस्टिंग कर दोगे तो आपको ट्रायल बैलेंस आ जाएगा घर के, वो आप होमवर्क में कर लेना राइट, से सुनो फ्रेंड्स राइट, प्रॉपर है बोलो, आपका किस किस अकाउंट में बैलेंस आएगा, एक मटेरियल अकाउंट में बैलेंस आएगा है ना, एक WIP अकाउंट में बैलेंस आएगा, एक फिनिश गुड्स अकाउंट में बैलेंस आएगा, और जितना मटेरियल WIP फिनिश गुड्स के डेबिट में आएगा उतना ही क्रेडिट आपका कॉस्ट कंट्रोल में आ जाएगा, सही है सुनो फ्रेंड्स राइट है। अब आप मुझे बताओ डू यू रिमेंबर जुलाई 2005, कुछ याद है आप लोग स्कूल में थे, देयर वाज ए मेजर डिजास्टर इन मुंबई, याद है फ्लड आ गया था राइट, है
थोड़ा सा समझने की कोशिश करना वेरियंसेस को ना। आप जनवरी में, इन जनवरी यू आर आस्किंग योर परचेज मैनेजर कि वी वांटेड टू गो फॉर आइसक्रीम, राइट? तो आइसक्रीम के लिए आपको क्या चाहिए? मिल्क। और वो रेट बोलता है आपको 20 रुपीज पर लीटर, 20 रुपीज पर लीटर, राइट? जुलाई में क्या होता है? देयर इज ए मेजर डिजास्टर। डिजास्टर के बाद रेट बढ़ के हो गया 22। इज द परचेज मैनेजर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस? इज द परचेज मैनेजर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस? आंसर इज नो, बिकॉज दिस इज अनकंट्रोलेबल वेरियंस। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, तो परचेज मैनेजर क्या करेगा, राइट? इसको बोलते हैं अनकंट्रोलेबल वेरियंस, है ना? फिर उसके बाद क्या होगा? अब आपको जुलाई में रिवाइज करना पड़ेगा प्राइस, क्योंकि अब वापस सब कंडीशन चेंज हो गया। और अगर वो दिसंबर में आपको पे करता है 24, तो 2 रुपीज का जो लॉस है, दिस इज कंट्रोलेबल वेरियंस। ये आपका कंट्रोलेबल है और ये आपका अनकंट्रोलेबल। ये आपकी प्लानिंग में मिस्टेक हुई थी, राइट? सो नोबडी इज रेस्पॉन्सिबल। ये आपके ऑपरेशन में मिस्टेक हुई है, यस, योर परचेज मैनेजर इज रेस्पॉन्सिबल। तो शांति से आप क्वेश्चन नंबर 24, वेरी गुड क्वेश्चन, पेज नंबर 2.88, क्वेश्चन नंबर 24, पेज नंबर 12.88, शांति से आप जरा रीड करिए, फिर मैं पूरा, कुछ नए सम्स डाले हुए हैं इंस्टीट्यूट ने जैन 19 के उसमें ना, तो आप जरा देख लीजिए, ओके? आप आराम से रीड करिए 24, पेज नंबर 12.88। सिक्सटीन टू नाइनटीन नोबडी इज रेस्पॉन्सिबल, आर यू फॉलोइंग? स्टार्टिंग में हमारा रेट क्या था फ्रूट्स के लिए? 16, बाद में मेजर डिजास्टर के बाद क्या हो गया? 19, नोबडी इज रेस्पॉन्सिबल। सेकेंड, 10 to 12 नोबडी इज रेस्पॉन्सिबल, समझे या नहीं? कैलकुलेट प्लानिंग वेरियंस दैट आर डीम्ड अनकंट्रोलेबल और उसके बाद डीम्ड कंट्रोलेबल। अब देखो जरा, आप टोटल करो जरा, 400 प्लस 700 प्लस 99 प्लस 1,
इनपुट का जरा टोटल करो, 400 प्लस 1200 और कितना नॉर्मल लॉस है 3%, माइनस करो 3%, माइनस करो 3%, 1164। एक्चुअल प्रोडक्शन भी हमारा क्या है 1164, तो क्वांटिटी क्या रहेगा आपका सेम। ओके तो टेबल आप बना लो, राइट। फर्स्ट दिस इज मटेरियल वेरिएंस, स्टैंडर्ड एक्चुअल, इनपुट केजी, स्टैंडर्ड रेट रिवाइज स्टैंडर्ड रेट टोटल, एक्चुअल में केजी रेट अमाउंट। फ्रूट्स ग्लूकोज एंड साइट्रिक एसिड 400, 700, 99 and 1, 1610, 33.2, 200 रिवाइज होके हो गया 1912, 33.2 एंड 200 टोटल 400 इंटू 19, 700 इंटू 12, 99 इंटू 33.2 एंड 1 इंटू 200। फोर टू एट, सेवन फोर टू, वन टू फाइव वन, एटीन ट्वेल्व, थर्टी टू पॉइंट एट, नाइन्टी फाइव,
दिस टू दिस नोबडी इज रेस्पॉन्सिबल, दिस इज टोटली अनकंट्रोलेबल, लेकिन दिस टू दिस इज ए कंट्रोलेबल। चाहिए सुनो फ्रेंड्स, उसके बाद आप आ जाइए, दिस इज योर लेबर वेरियंस, आर्स, रेट, अमाउंट, आर्स, रेट, अमाउंट। स्टैंडर्ड आर्स 18, 32.5, 585, एक्चुअल 20 इंटू 30, 600। Say yes or no, right? सबसे पहले क्या पूछा है आपने से? प्लानिंग वेरियंस, आंसर नंबर वन, प्लानिंग वेरियंस। पहला आपसे क्या पूछा है बोलो? प्लानिंग वेरियंस, राइट? प्लानिंग मींस ये दोनों का डिफरेंस है ना, प्लानिंग में जो मिस्टेक हुआ है, फ्रूट एंड ग्लूकोज, क्या सोचा था आपने? 16, आपने क्या पे किया? 19, 3 रुपीस इंटू 428, देन 10 की जगह 12 इंटू 742, समझे नहीं? निकालो कितना लॉस होगा, 428 इंटू 3, 1284 एडवर्स, और 742 इंटू 2, 1484 एडवर्स। सुनो फ्रेंड्स, राइट? फिर आप आ जाइए दूसरा, कंट्रोलेबल वेरियंस। इसका मतलब ये आपका हो जाएगा ऑपरेशन, ऑपरेशन में अपने को क्या हुआ उसको ही कंट्रोल कर सकते, राइट? तो सेकंड और थर्ड का साथ में आंसर कर देते हैं, आंसर नंबर टू, आंसर नंबर थ्री। फर्स्ट, दिस इज कंट्रोलेबल वेरियंस, कंट्रोलेबल वेरियंस, राइट? फर्स्ट, दिस इज योर मेटेरियल कॉस्ट वेरियंस,
क्या कॉस्ट हो जाता था 1,316.2 एडवर्स। मटेरियल कॉस्ट वेरियंस राइट, देन मटेरियल यूसेज वेरियंस, मटेरियल रेट वेरियंस। मटेरियल यूसेज वेरियंस एंड मटेरियल रेट वेरियंस। फ्रूट ग्लूकोज (1) (0) मिलके 18.2 428 फेवरेबल 0 50 मिलके होता टैली 1899.2 -583 या 1,486.8 / 1200
1558, देखो मटेरियल सब यूसेस, मटेरियल यील्ड, मटेरियल यील्ड, इनपुट आउटपुट, क्या आउटपुट है अपना? एक्चुअल आउटपुट इज 1164, इनपुट है 1200, तो आउटपुट है 1164, इनपुट है 1200, तो आउटपुट है 1164, अगर इनपुट है 1296, 1164 डिवाइडेड बाय 1200 इनटू 1296, 1257.12, लेकिन एक्चुअल आउटपुट आ रहा है ओनली 1164, 19486.8 डिवाइडेड बाय 1164, वन फाइव फाइव एट एडवर्स। समझे नहीं फ्रेंड्स, बोलो। बोलो या सुनो फ्रेंड्स, राइट, मटेरियल मिक्स निकालो, ग्लूकोज पेक्टिन साइटिक 400 डिवाइडेड बाय 1200 इनटू 1296, 700 1200 1296,
favorable favorable 97. Adverse 99 1200 नहीं गलत ये 1.1 माइनस वन क्या आएगा और ये 99 डिवाइडेड बाय 1200 इनटू 1296.92 लेस 125 इनटू 33.2 600.256 एडवर्स 76 168 less 600.256 less क्या रहा है 3 क्या एडवर्स टैली होता है फिर 1558.944 प्लस Say yes or no, please. ये आपका हो गया आंसर नंबर 2 and 3 कैलकुलेट द ऑपरेटिंग वेरियंस दैट आर डीम्ड कंट्रोलेबल यील्ड वेरियंस भी आ गया आपका नाउ टोटल वेरियंस टोटल में दोनों आ जाएंगे मटेरियल एंड
लेबर, तो पहले लेबर वेरियंस निकाल लो जरा अपना फ्रेंड्स. व्हाट आर द लेबर वेरियंस टू यू? लेबर कॉस्ट वेरियंस, फर्स्ट दिस इज लेबर कॉस्ट वेरियंस. क्या कॉस्ट आपने सोचा था? 585. क्या कॉस्ट आ रहा है? 600. कितने का लॉस हो गया? 15. राइट. हु इज रेस्पॉन्सिबल? लेबर एफिशिएंसी वेरियंस, लेबर रेट वेरियंस, बराबर. एफिशिएंसी 18, 20, 32.5, 65, राइट. 32.5, 30 into 20, 50 फेवरेबल. आंसर नंबर 4, टोटल वेरियंस, टोटल वेरियंस डिवाइड इन टू 1 मटेरियल वेरियंस, सेकेंड लेबर वेरियंस. मटेरियल वेरियंस 1316.2 एडवर्स, 15 एडवर्स मिलके क्या हो जाएंगे? 1316.2 + 15, 1331.2 एडवर्स. सही है सुनो, राइट. इतना कॉपी कर लीजिए ना. अब आपके कुछ थोड़े मॉड्यूल के सम जो नए नए डाले ना, वो भी जरा आपको दिखा देता हूँ ना फ्रेंड्स. राइट. अभी तक हम लोग जितने भी वेरियंस करते थे वो क्या करते थे? अपन ओरिजिनल को कंपेयर करते थे विद एक्चुअल से, तो उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल वेरियंस, बराबर. और अगर ओरिजिनल को रिवाइज से कंपेयर करेंगे तो प्लानिंग वेरियंस होगा, और रिवाइज से इसको करेंगे तो आपका ऑपरेशनल वेरियंस होगा, कंट्रोलेबल होगा ना. देखो जरा एग्जाम्पल 12.1, पेज नंबर 12.1. पीछे मैंने सॉल्व भी किया है, आप जरा समझो ना. 12.1 मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड ऑलवेज बेस्ड ऑन एक्चुअल. एग्जांपल आपको दे रखा है एक्स ओरिजिनल 4500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2 केजी, और उसका रेट रहेगा 12.5. रिवाइज्ड है आपका 4500 एट द रेट ऑफ 2.25, और उसके बाद है आपका एक्चुअल. तो ट्रेडिशनल और
ट्रेडिशनल जो वेरियंस हम लोग अभी तक करके आए, राइट, ट्रेडिशनल वेरियंस, इसमें क्या रहता था, स्टैंडर्ड को हम लोग किससे कंपेयर करते थे, एक्चुअल से, राइट। पहले समझ लो एक बार ना, और ये ग्राफ भी बना लो आप, इसके दो पार्ट, एक प्लानिंग वेरियंस, प्लानिंग में हम लोग क्या कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड विद रिवाइज स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड विद रिवाइज्ड स्टैंडर्ड, है ना। और फिर आपका लास्ट आएगा प्लानिंग के साथ साथ आपका ऑपरेशनल, ऑपरेशन में अपन क्या करेंगे, रिवाइज्ड विद एक्चुअल, समझे या नहीं, है ना। तो आप जरा रेफर करो, पहला एग्जांपल 12.1 देखो जरा, ट्रेडिशनल वेरियंस वेरीफाई करके बताओ आप मुझे, ये जरा कॉपी कर लो आप ना फ्रेंड्स। ट्रेडिशनल वेरियंस कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड विथ एक्चुअल, प्लानिंग वेरियंस एंड ऑपरेशन वेरियंस, राइट। बोलो या सुनो फ्रेंड्स, समझ रहे हैं प्रॉपर। उसके बाद जरा देखो 12.4 पे एग्जांपल देख दो एचडीआर का, 12.4 ट्रेडिशनल में स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल को करना है, प्लानिंग में स्टैंडर्ड एंड रिवाइज को करना है, और ऑपरेशन में रिवाइज्ड एंड एक्चुअल को करना है।
बोलो यस और नो फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? बोलो यस और नो। 12.7 पे एक फिक्स्ड ओवरहेड का है विद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, वो भी जरा देख लो अपना, पीछे सॉल्व किया है मैंने ना। 12.7 पहले यूनिट्स एंड फिर डिलीवरीज, राइट? क्या क्या आपने को दे रखा है इसमें? वॉल्यूम के दो पार्ट करते थे ना अपन, फिक्स्ड ओवरहेड वेरियंस आपको दे रखा है, याद आ रहा है फ्रेंड्स? दिस इज बजट एंड दिस इज एक्चुअल, यूनिट्स, रिकवरी रेट, एक्सपेंस, यूनिट्स, एक्सपेंस, डिलीवरीज, रिकवरी रेट, एक्सपेंस, डिलीवरीज एंड एक्सपेंस, राइट? कितने यूनिट्स है अपने पास? 2000, ओवरहेड 4000, रिकवरी रेट 2, ओवरहेड 4000, डिलीवरी कितने? 20, एक का क्या हो जाएगा? 200, राइट? देन उसके बाद एक्चुअल यूनिट्स 100, एक्चुअल एक्सपेंस 30, 930, 900, एक्चुअल डिलीवरीज 19, राइट? फर्स्ट दिस इज योर फिक्स्ड ओवरहेड अकाउंट टू बैंक बाय रिकवरी 2100 इंटू कितना ओवर रिकवर हो गया, ओवर रिकवरी, याद आ रहा है ना? फर्स्ट फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरियंस, राइट? 3900 4200 300 फेवरेबल, फिक्स्ड ओवरहेड
एक्सपेंस वेरियंस, कितना एक्सपेंस सोचा था 4000, हुआ कितना, कितने का लॉस प्रॉफिट हो गया 100, फिक्स्ड ओवरहेड। वॉल्यूम वेरियंस कितना था 2100, 2100 इंटू 200, इसके दो पार्ट फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी एंड फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी, याद आ रहा है? कैपेसिटी कितना, डिलीवरी का कैपेसिटी था 20 का, पे ओनली 19 इंटू 200 एडवर्स, राइट 20 डिलीवरीज, राइट यूनिट्स अगर 2000 है तो नंबर ऑफ डिलीवरीज 20, अगर यूनिट्स 2100 रहे तो कितना होगा 21, राइट है 21, लेकिन आपने कितने में कर दिया 19 में, गुड इनटू 200 400, ये जरा कॉपी कर लो। समझे नहीं, राइट बोलो। ट्वेल्व पॉइंट नाइन लर्निंग कर्व में कवर होगा, राइट है फ्रेंड्स, 12.9 लर्निंग कर्व में कवर होगा, 12.15 अपन ने कर लिया था, राइट 12.19 भी अपन ने कर लिया था, 12.22 जरा देखो, सॉल्व किया मैंने ना, ये 12.22 तो सिंपल है, ये आप जरा देखो 12.23 जरा देखो ना, 12.23 वही ट्रेडिशनल और वो प्लानिंग और वो ना, जरा वेरीफाई करके बता दो ना,
तो आपका पूरा मॉड्यूल, लेटेस्ट मॉड्यूल जो जेन 19 है, वो भी सारे सम्स मैंने आपको कवर करा दिए, राइट। ट्वेल्व पॉइंट टू थ्री जरा आप देख लो ना फ्रेंड्स, सही है सुनो फ्रेंड्स, राइट। बाकी के सब सिमिलर टाइप हैं, अपन ने मैक्सिमम किए हुए हैं और उनके सॉल्यूशन इज विद यू। सो दैट इज़ द एंड ऑफ योर फाइनली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, राइट। अब आपको मैं एलएमआर का लिस्ट दे दूंगा, वो उतने सम्स आप वापस से अपने कंटिन्यूस प्रैक्टिस में रखना। ओके, दैट्स इट।